दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल द नॉलेज गेट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग के IAS मेंस 2020 के आ गए हैं रिजल्ट। में इस वीडियो में सारी जानकारी आपको देने जा रहा हूं कि रिजल्ट किस तरीके से आपको ऑनलाइन देखना है, कौन कौन से रोल नंबर आप कहां कहां पर विजिबल होंगे, सारी जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। यहां पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट खुली हुई है, आपको इसी वेबसाइट पर जाकर के रिजल्ट को देखना। upsc.gov.in इसका लिंक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। यहां पर देखिए व्हाट्स न्यू सेक्शन पर सारे रिजल्ट डिक्लेयर जो भी चीजें इंफॉर्मेशन नोटिस आता है वो सारी चीजें व्हाट्स न्यू के सेक्शन पर आता रहता है, इसी पर जाकर के आपको रिजल्ट का भी जानकारी मिल जाएगी। देखिए रिजल्ट के जो सेक्शन है यहां पर ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, एक बारी से मैं इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूं और जो सेकंड या थर्ड नोटिफिकेशन है यहां पर रिटर्न एग्जामिनेशन के रिजल्ट का, देखिए रिटर्न रिजल्ट सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2020। दोस्तों अनाउंस करने जा रहा हूं कि किसने किसने कौन कौन यहां पर एलिजिबल है, तो सबसे पहले मैं इस रिजल्ट पर क्लिक कर दे रहा हूं। सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2020 का रिटर्न रिजल्ट यहां पर आ चुका है, डॉक्यूमेंट आपके सामने है, इस पर क्लिक करेंगे आप यहां पर पूरा डॉक्यूमेंट खुल जाएगा जो आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2020 8 जनवरी से लेकर के 17 जनवरी तक जिसके एग्जामिनेशन हुए थे उनका यहां पर रिटर्न एग्जामिनेशन का रिजल्ट बिल्कुल भी आ चुका है और पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू के लिए यहां पर पूरी तरीके से उनको कॉल लेटर आ जाएगा। अब देखिए आपको करना क्या है ये भी मैं बता देता हूं। कैंडिडेचर ऑफ दिस कैंडिडेट इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू देयर फाउंडिंग एलिजिबल इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब ये बोल रहा है कि अभी तक आपका जो कैंडिडेचर है वो लगभग अभी प्रोविजनल है, अभी आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इंटरव्यू होगा उसके बाद में ही आपको यहां पर पूरी तरीके से अडॉप्ट किया जाएगा। अब यहां पर पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू के लिए कमेंसमेंट्स यहां पर नोटिस आपको आ जाएंगे, इसी वेबसाइट को आपको ध्यान रखे रहना है, इसी वेबसाइट पर विजिट करते रहना है, upsc.gov.in ये वेबसाइट है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि रिजल्ट कहां पे है, इसमें सबसे नीचे सेक्शन पे आएंगे। देखिए रिजल्ट के यहां पर रोल नंबर दिए हुए हैं, सारे रिजल्ट के रोल नंबर यहां पर दिए हुए हैं, 8 पेज का टोटल ये है। अब इसमें जाकर के आपको रिजल्ट चेक करना है, रिजल्ट कैसे चेक करना ये मैं आपको बता दे रहा हूं। इसी नोटिफिकेशन को खोलना और अपने कंप्यूटर पर कंट्रोल एफ टाइप करना, जैसे आप कंट्रोल एफ टाइप करेंगे तो इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आपके सामने छोटा सा खुल करके आ जाएगा। अब यहां पर आप अपना रोल नंबर टाइप करेंगे, इस तरीके से आप रोल नंबर टाइप करेंगे तो आपका रोल नंबर आपके सामने यहां पर आ करके लिख जाएगा। अगर इसमें रोल नंबर आपका मिलता है तो इसका मतलब आप बिल्कुल भी क्वालिफाई है। आप सभी जितने भी लोग क्वालिफाई हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई है और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे चैनल की ओर से, मेरी ओर से, क्रिएटर की ओर से। अब मैं बता दूं कि जो भी लोग क्वालिफाई हुए हैं उनको यहां पर क्या चीजें, जरूरी चीजें ध्यान रखनी है। तो यहां पर लिखा हुआ नो चेंज रिक्वेस्ट डेट एंड टाइम ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट, में किसी भी तरीके का चेंज नहीं आप कर सकते हैं। कैंडिडेट जिन्होंने पर्सनालिटी टेस्ट, जो अभी क्वालिफाई हुए हैं पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट इन एंड ऑप्ट आउट पब्लिकली मेकिंग अवेलेबल देयर स्कोर। यहां पर देखिए आपको पब्लिक डिस्क्लोजर का फॉर्म है उसको आपको फिल करना रहेगा, ऑनलाइन ये मिल जाएगा आपको। इसमें क्या है कि अपने जो यहां पर पर्सनालिटी टेस्ट के लिए अपने आपको आप विजिबल कर सकते हैं और नहीं भी विजिबल कर सकते हैं, तो ये आपको भर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे इस डिस्क्रिप्शन में, लिंक मैं दे दूंगा, विद द रिगार्ड ऑफ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म टू। अब DA1 DF2 का तो आपको फॉर्म भी भरना है, DAF DF2 का फॉर्म आपको आ जाएगा वेबसाइट पर, और वेबसाइट पर जाकर के आपको भर लेना है। कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू मैंडेटली इंडिकेट ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ओनली फॉर दोज सर्विस पार्टिसिपेटिंग इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। आपको अपनी प्रेफरेंस यहां पर भर लेनी है DF2 एग्जामिनेशन के, DF2 के फॉर्म में, DF2 का फॉर्म यहां पर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इन केस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ हिज नेम बाय यूपीएससी बाय सर्विस एलोकेशन द कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड फॉर एलोकेशन टू वन ऑफ दोज सर्विस बाय द गवर्नमेंट विच शैल बी इंडिकेट हिज प्रेफरेंस सब्जेक्ट। तो यहां पर आपको पूरी तरीके से प्रेफरेंस आपको सही से भर लेनी है। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि देयरफॉर द कैंडिडेट अकॉर्डिंग विद द एयरफोर्स एफोर्सेड प्रोविजन ऑफ द रूल्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑल द कैंडिडेट हैव टू फिल अप द सबमिट DF2 फॉर्म। DF2 फॉर्म को आपको भर लेना है। अवेलेबल कब होएगा ये मैं आपको बता दे रहा हूं, 25 मार्च 2021 से 5 अप्रैल 2021 के बीच में अवेलेबल रहेगा ये। इसको ऑनलाइन वेबसाइट पर आपको जाकर के, इसी वेबसाइट पर जाकर के आपको चेक कर लेना है और भर देना है। मेंस के जो रिजल्ट निकले हैं इसकी बहुत ही खुशी, बहुत ही लहर है। अब मैं आपकी सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखिए प्रेफरेंस आपको पहले भर लेना है DF2 में, क्योंकि बाद में आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। नो रिक्वेस्ट फॉर एनी टाइप ऑफ चेंज मॉडिफिकेशन इन इंफॉर्मेशन गिवन द DF1 DF2 फॉर्म। अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है आप इस ईमेल पर ईमेल भेज करके आप जानकारी ले सकते हैं, और मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है इसको जाकर के यहां पर फोन करके आप चेक कर सकते हैं। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू, सारी चीजें आपको यहां पर ऑनलाइन वेबसाइट पर मिल जाएगी, सारी चीजें लिंक यहां पर देखिए टिल द कंक्लूजन ऑफ द पर्सनैलिटी टेस्ट ऑन द लिंक आपको दे रखा है यहां पर। Therefore, all candidates are required for the personality test are advised to fill up
ऑनलाइन विद प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, यानी कि टाइम के अंदर आपको भर देना है। सारी चीजें शुरू से लेकर के लास्ट तक बता दी। अब जो लोग यहां पर क्वालिफाई नहीं हुए हैं, कैंडिडेट हु हैव नॉट क्वालिफाइड येट, उनका 15 दिन के अंदर अंदर यहां पर मार्कशीट अपलोड कर दी जाएगी वेबसाइट पर। सभी लोगों को विजिट करते रहना, रोल नंबर दिए हुए हैं, सारे रोल नंबर आपको चेक कर लेना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी लोग क्वालिफाई हुए हैं उनको यहां पर द नॉलेज डेट चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाइयां आप सभी के लिए। उज्ज्वल भविष्य की हमारा चैनल हमेशा कामना करता रहेगा।